हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने भाई बीफॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड डिफरेंट मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के लिए बता दें, हमारा नाम है सिलियन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो और ये इस यूनिट फोर्थ हमारी जो चल रही है उसका लेक्चर फिफ्थ है, जिसमें हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड डिफरेंट मेथड इंट्रोडक्शंस। और इससे पहले का लेक्चर जो हमारा है, इससे पहले का टॉपिक, वो लेक्चर फोर में डिस्कस हो चुके हैं। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसकी यूनिट फोर की वीडियो है प्ले लिस्ट में जाकर के स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड डिफरेंट मेथड, मतलब कि इसका बेसिकली हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जो है होता क्या है, और इसका जो है हम जो डिफरेंट मेथड से हम इसका इसके लिए जो है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे करते हैं। तो बायो ऐसे और बायोलॉजिकल ऐसे और बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन ये हमारा होता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर यदि देखी जाए तो इट मे बी डिफाइन एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड फॉर ए सिंपल और कॉम्प्लेक्स मटेरियल विद यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम इस मेथड में इस माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में करते क्या है, किसी भी कंपाउंड की जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव को हम डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल या मतलब कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में हम उसके लिए यूज करके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हम जो है डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड को। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो द माइक्रोबियल ऐसे इज परफॉर्म टू मेजर एस परफॉर्म, यानी कि माइक्रोबियल तो हमारा ऐसे होता है, इसके लिए हम परफॉर्म करने के लिए मेजर करते हैं परफॉर्म विद कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे कि बैक्टीरिया यीस्ट एक्सेट्रा एंड रिलेटिव पोटेंसी और एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। यानी कुछ हमारी जैसे रिलेटिव पोटेंसी होती है और एक्टिविटी के लिए, जैसे कि हमारी एंटीबायोटिक्स होगी, विटामिन होगी एंड अमीनो एसिड होगी। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जो हमारा होता है वो रिलेटिवली एज एक्यूरेट होता है किसी भी केमिकल मेथड के लिए, ठीक है। इट इज सिंपल स्पेसिफिक इन एक्सपेंसिव है ये, एंड इन केस ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है वो एक्टिविटी जो शो करती है एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग इनहिबिशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। इन केस ऑफ अमीनो एसिड एंड विटामिन एक्टिविटी एस्टिमेटेड बाय जिसके लिए मेजर करते हैं प्रमोशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा है वो उसकी ग्रोथ के लिए जो है प्रमोशन कर मतलब प्रमोट करते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसके मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे के लिए हम जो है करते हैं। एंड द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस, फिर जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है बाय टेस्ट से सब्सटेंस इज कंपेयर विद नॉन कंसेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि फिर हम इसका जो है लास्ट में जो इसका मतलब हम किसी भी कंपाउंड का ऐसे करने के बाद में हम जो उसकी जो कंपेयर करेंगे उसका सैंपल वगैरह, तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन यानी कि स्टैंडर्ड सैंपल होगा और एक हमारा टेस्ट सब्सटेंस होगा, तो उन दोनों से हम उसके लिए कंपेयर करेंगे, उससे हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव यानी कि भाई जो भी हमें चेक करना है वो हमारे लिए यानी कि ऑब्जर्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरिटस यानी कि एडवांटेज के बारे में, कि जो भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे के इंट्रोडक्शन एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक्यूरेट स्टैंडर्डाइजेशन हमारे लिए पता चल जाता है किसी भी कंपाउंड का, और नेचुरली अकरिंग थेरापेटिक एजेंट्स जो हमारे होते हैं वो ऐसे वाले जिस मेथड से पता चलता है फिर इस मेथड से। एंड इट इज सिंपल, और ये जो है सिंपल एंड रैपिड वेन कंपेयर ऑफ बायो टू बायो ऐसे, इससे जो है सिंपली हम किसी भी कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं बायो ऐसे के द्वारा। नेक्स्ट हम क्या, इससे क्या और इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे कि रिड्यूस, ये जो रिड्यूस करता है मॉर्टलिटी रेट को ऑफ एनिमल्स की, एंड जो है बोथ कंसेंट्रेशन एक्टिविटी कम ऑफ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइन। इससे जो हम किसी भी कंपाउंड की कंसेंट्रेशन एंड एक्टिविटी दोनों के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द होल प्रोसीजर कैन बी ऑटोमेटेड टू रिड्यूस द ड्यूरेशन। एंड इसके डिमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो बेसिकली ये स्पेसिफिक टेस्ट ऑर्गेनिज्म की इसमें रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से ये इसका एक ये डिसएडवांटेज हो गया। एंड एक्सट्रीमली स्टराइल कंडीशन टू बी मेंटेन इन लैब,
यानी कि लैब में हमारे लिए कुछ एक्सट्रीमली जो है स्टराइल कंडीशन जो है वो मेंटेन रखना जरूरी होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड देन अदर्स, ये जो है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और मेथडों से। एंड बिल ट्रेन वर्कर आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी ऐसे, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे के। और ये बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट हम इससे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स जो भी होंगे, यानी कि डिफरेंट मेथड से हम जो है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो वो इसके जो है स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ विटामिन साइनाकोबाल्मिन एंड एंटीबायोटिक्स वगैरह इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको यही बताना था कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करना, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।